हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चूहे जिस घर में भी जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। वो उसी घर में ज़्यादा जाते हैं जहाँ उन्हें आराम से खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं। वो बार बार उसी घर में जाते हैं, वहाँ पर अपना डेरा भी बना लेते हैं। वो खाने पीने चीज़ों में तो मुँह डालते हैं जिससे उठाकर हमें पूरा फेंकना पड़ता है। ये हमारी महंगी बुक्स या कपड़े वगैरह कंबल को काट देते हैं जिससे हमारा काफ़ी पैसों का नुकसान भी होता है। अगर ये बच्चे दे दें तब तो इनको भगाना और पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परेशान होकर हम लोग इसे कीटनाशक दवा डालते हैं जिससे ये मर जाए। ये घर के किसी कोने में जाकर के मर जाते हैं। काफ़ी बदबू आती है जिससे साफ सफाई का काम भी हम लोग का बढ़ जाता है। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मारे आप चूहों को घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं सिर्फ इस रेमेडी के अनुसार। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद चूहे आपके घर में वापस लौट करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप सिरामिडी को बना लें। आपको क्या करना है, यहाँ करीबन 1.5 से 2 चम्मच बेसन लेना है। तो मैंने यहाँ भर के 1.5 चम्मच बेसन लिया है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा आटे का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बेसन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि चूहे चने खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी का पाउडर होता है आटा, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। उसके बाद ले लेना है आपको 1 चम्मच कोई भी खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास हो आप उसको ले लीजिए। अगर आपके पास एक्सपायरी पड़ा हो, कारो जिसका यूज़ ना हो, आप इसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अभी और भी कई चीज़ें इसमें ऐड करना है जो बहुत ही पावरफुल हम लोगों का नुस्खा बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए आलू लिया, आलू सभी के घर में होते हैं। अच्छा, जो आलू होते हैं ना चूहे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको यहाँ पर छोटी सी आलू लेनी है, इस तरह से आपको ग्रेट कर लेना है। सिर्फ आधी ही आलू आपको लेना है, बहुत ज़्यादा आलू आपको नहीं लेना है। आधी आलू आपको ग्रेट करके लेना है, यहाँ पर कट बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको छिलका को भी नहीं निकालना है। इस तरह से देखिए मैंने आधे आलू को से निकाल लिया है। तो देखिए आलू के जो रस होता है उसमें भी पानी होगा, तो यहाँ पे हम लोग पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका डो बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपको लेना है यहाँ पे चाय पत्ती, जो हम लोग चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए इन सब का जो कॉम्बिनेशन बन करके तैयार होगा ना, वो चूहों को भगाने के लिए बहुत ही अच्छा पावरफुल रहेगा। यहाँ पर हम लोग को कोई भी कीटनाशक या कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय पत्ती ले लिया है। चाय पत्ती का रिएक्शन बहुत ही तेज़ होता है जिससे चूहे तो आपके घर से भाग ही जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है विनेगर। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा डाल रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ज़्यादा डो हम लोग का गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट बनना चाहिए। तो मैंने थोड़ा डाला, इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे करीबन 1 चम्मच में अभी और डालूंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ना ही हम लोग उसको ज़्यादा पतला करना है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। देखिए बेसन में बहुत जल्दी पानी नहीं सोखता है, वो थोड़ा सा गीला ही रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हम लोग ने मिक्स कर ली। अभी एक चीज़ हम लोग को और डालना है जिससे पूरा हम लोग का मिक्सचर बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे आलू, बेसन, सोडा सब चीज़ें हम लोग ने मिक्स कर ली है। सबसे लास्ट में आपको डालना है यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर। तो यहाँ पे हम लोग करीबन 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करेंगे जो इस पूरे रेमेडी को और भी पावरफुल बना देगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डो तो तैयार कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, गीला ही रखा है। बस अब आपको ले लेना है 1 चम्मच पाउडर, जो भी आपके पास हो उसको डाल लीजिए। आपको इसको लास्ट में ही डालना है क्योंकि यहाँ पे अगर पाउडर इस तरह से मिक्स होगा तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से डाल देना है, आटा में मिक्स कर देना है। ये मिक्स भी हो जाता है। मिक्स करने के बाद पूरा डो तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेना है जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं थोड़ी सी बड़ी गोलियाँ बनाऊँगी, ज़्यादा छोटी नहीं बनानी है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं तो आप इस चीज़ों को सब 2 गुना ज़्यादा ले सकती हैं और ज़्यादा गोलियाँ भी बना सकती हैं। और भी कई चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे रात में जब आप किचन अपना साफ करती हैं तो किचन सिंक के पास कोई भी कूड़ा या खाने पीने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इन चीज़ों आपको यहाँ पे उठा के बिल्कुल साफ रखना चाहिए। कुछ कूड़ा वगैरह अगर आप कोनों में लगा हो तो वहाँ पे भी चूहा डेरे बना लेते हैं और बच्चे भी देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हो भी जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का भी। तो इस चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे ना तो चूहे आपके घर से हमेशा के लिए चले ही जाएंगे। तो यहाँ पे करीबन हम लोग ने 6 से 7 बना करके तैयार कर ली है। इसी से चूहे खाने के बाद तुरंत घर से बाहर भाग जाएंगे। इसको खाने के बाद अजीब सा रिएक्शन होगा, बेचैनी होगी, जिससे ये घर से तो भाग ही जाएंगे और वापस लौट करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
तो इन गोलियों को बनाने के बाद आप इसको बेड के नीचे, सोफे के नीचे, क्योंकि रात में ही ये चूहे एंट्री करते हैं तो सब जगह से घूम करके आते हैं, तो आप इसको बच्चों की अलमारी हो, फ्रिज के नीचे हो, आपको जहाँ ठीक लगता हो, आपको लगता है चूहे यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, आप वहाँ पर रखिए, किचन सिंक के पास रखिए, इस तरह से स्लैब पर और गैस पर इन गोलियों को ज़रूर रखिए। इसकी स्मेल इतनी तेज़ होगी चूहे से खाने के लिए ज़रूर आएंगे और खाते उनकी अजीब सी बेचैनी और उलझन होगी, जिसकी वजह से वो घर से भाग जाएंगे और वापस लौट करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।